हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश देहरादून रोड पर। ये फ्लाईओवर जो है ऋषिकेश से कुछ ही दूर निकलने के बाद आता है, और ये फ्लाईओवर यहाँ पे बनाया गया है ताकि इसके नीचे से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने वाली ट्रेन निकल सके। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो किसी और दिन बनाऊँगा। फ़िलहाल वीडियो मैं बना रहा हूँ ऋषिकेश से देहरादून वाली रोड के लिए, क्योंकि इस रोड को भी 4 लेन बनाने का प्रपोज़ल है। फिलहाल जो आप ये रोड देख रहे हो, ये सिर्फ इस फ्लाईओवर तक ही आपको 4 लेन दिखाई दे रही है, लेकिन इसके आगे ये रोड जो है ना पूरी अभी सिंगल है। गैस, ये रोड जो है ना ऋषिकेश को देहरादून सिटी और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जोड़ता है। लगभग ये सिंगल रोड जो है करीब करीब 11 या 12 किलोमीटर का है, और ये 11-12 किलोमीटर का रोड बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इस पर राइड करके, इस पर ड्राइव करके ना बहुत आनंद सा आ जाता है। गाइस, ऋषिकेश से देहरादून का ये रोड राजाजी टाइगर रिजर्व में से निकलता है, और राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी और बहुत से जंगली जानवर हैं। और जब भी कोई रोड का प्रोजेक्ट आता है तो ये क्वेश्चंस उठते हैं कि जंगली जानवरों की सेफ्टी का क्या होगा। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, इस बात पे खास ध्यान रखा जाएगा कि एक तो कम से कम पेड़ काटने की ज़रूरत पड़े, और उसके अलावा हाथियों के लिए और बाकी जंगली जानवरों के लिए कई कॉरिडोर्स बनाए जाएं, जिसकी वजह से वो इजीली कम्यूट कर पाएं एक जगह से दूसरी जगह। गाइस, अभी तक जितना भी हमने ट्रैवल किया है इस रोड पर, ये रोड बिल्कुल सीधी दिखाई दी है हमें, लेकिन ऋषिकेश से देहरादून के इस रोड को 7 मोड़ रोड के नाम से जाना जाता है। अब एग्जैक्टली 7 मोड़ हैं या नहीं है, एक काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देख लो, और अगर आपको ये 7 मोड़ नज़र आ जाए तो कमेंट करके बताना। गाइस, कुछ मोड़ों को क्रॉस करने के बाद अब ये बिल्कुल सीधी रोड हमें मिली, और इस बिल्कुल सीधी रोड के जो आसपास के नज़ारे हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आसपास के नज़ारे देख के हमारा भी मन करा कि रुक के एक दो पिक्चर्स ले लेते हैं यहाँ की। मतलब बहुत ही खूबसूरत था आसपास का नज़ारा, और ये सोचते सोचते कि कहाँ पर रुकें, हमारी नज़र पड़ी इस बोर्ड पर जहाँ पर लिखा था हाथी बाहुल्य क्षेत्र। तो हमने सोचा कि छोड़ो यार, यहाँ क्या ही रुकना, और हम निकल गए सीधे। तो गाइस, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और गिनती करते हैं बाकी बचे हुए मोड़ों की।
गाइस, शायद अभी जो हमने इतने सारे मोड़ देखे, हो सकता है उसी वजह से इसको सात मोड़ कहा जाता हो। बाकी आपने सात मोड़ गिने हैं नहीं गिने वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए व्यूअर हो, क्योंकि जितने आप लाइक करते हो उतना ही वीडियो आगे पुश होता है। गैस, ये तो अब यहाँ से एक डाइवर्जन आ रहा है, इसको लेकर आप यमुनोत्री, गंगोत्री, चंबा, टीरी के जो मेन हाईवे है उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो गैस, ये पूरा रोड क्रॉस करने के बाद एग्जैक्टली रानी पोखरी एक एरिया है, वहाँ पर ये निकलता है। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे सड़क बिल्कुल चौड़ी है, तो जो भी 4 लेन या 6 लेन का जो निर्माण होना है वो यहीं तक होगा शायद, या फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या कनेक्टिविटी होगी उस हाईवे की। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स अलॉट।